इमोशंस ना आज एकदम फूट फूट कर बाहर आ रहे हैं यार। खबर ही कुछ ऐसी है, अब ऐसा सुना था क्या कि किसी देश में रोने और हंसने पर बैन लग गया हो? नहीं ना, लेकिन लग चुका है। कहां बताऊं, उत्तर कोरिया में कुल 11 डेज के लिए हंसने रोने गाने सबके ऊपर बैन लग गया है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं अनकट और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। दोस्तों, उत्तर कोरिया शोक मना रहा है और ये शोक है उनके पूर्व नेता और किंग जोंग उनके पापा किम जोंग इल की 10वीं बरसी का। लीडर के जाने के टोटल 10 साल बाद उत्तर कोरिया अब अपने जनता को 11 दिनों के लिए हंसने रोने पर बैन लगा दिया गया है और इसी दौरान देश के लोग ना हंस सकते हैं और ना ही शराब पी सकते हैं। अब यार शराब पीने तक तो ठीक था, लेकिन हंसने और रोने पे ब्रो कौन बैन लगाता है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। सरकारी अधिकारियों ने किंग जोंग इल के निधन की याद में लोगों को किसी भी तरह की कोई भी खुशी न जाहिर करने का सख्त आदेश दिया है। किंग जोंग इल ने उत्तर कोरिया पर 1994 से लेकर 2011 तक शासन किया। किंग जोंग इल के बाद उनके जो तीसरे बेटे और सबसे छोटे बेटे किंग जोंग उन ने देश की जो कमान है वो उसके बाद संभाल लिया। अब उनके निधन के टोटल 10 साल पूरे होने पर उत्तर कोरिया के लोगों को 11 दिनों का सख्त शोक मनाने का आदेश दिया गया है। इस दौरान कोई भी हंसकर या शराब पीकर अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता है। और ये मत सोच लेना कि ये बातें मैं मजाक में बोल रही हूँ। पहले भी जिन लोगों ने शोक के दौरान शराब पिया है, खुशी मनाया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, बतौर क्रिमिनल की तरह उनको ट्रीट किया गया है और ऑफिसर्स उन्हें पकड़ कर लेकर के तो गए, लेकिन दोबारा फिर वो नॉर्थ कोरिया में नजर ही नहीं आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शोक के दौरान अगर किसी के परिवार में किसी का निधन भी हो जाता है तब भी उसे तेजी से रोने की परमिशन नहीं है और वो शव को शोक खत्म होने के बाद ही बाहर लेकर के जा सकते हैं। यही नहीं, आप अपना जन्मदिन भी बॉस खुल के मना नहीं सकते और फिर दुनिया कहती है कि किंग जोंग उन तानाशाह हैं, तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। अब लगती है तो लगे, हमें क्या, हम तो हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, पार्टी भी कर सकते हैं और रोकने का तो कोई चांस ही नहीं हमें। ऐसे ही इन डेप्थ खबरों के लिए, डिटेल्स के लिए, एनालिसिस के लिए आप अनकट को जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।